अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम 1.4 पर चलते हैं। अच्छा सिमेट्री को स्क्रूज मैट्रिक्स समझ लीजिए। अगर ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं ए मैट्रिक्स का और वो ए के इक्वल आ जाए तो उसे कहते हैं सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो वो माइनस के आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। करना क्या होता है, आपके पास ट्रांसपोज लेना है। मसलन जैसे आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं कि मसलन आपको ए दे दिया गया है 1-2-3 उसके बाद -2-3-1 5-1 0 आपको ये भी दे दिया गया है -3-1 2 उसके बाद 1-0-1 1-0-1 -2-1 इन दोनों को सिमेट्रिक प्रूव करना है। किसको सिमेट्रिक प्रूव करना है? ए प्लस बी को सिमेट्रिक। पहले स्टूडेंट इसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ये तो दो मैट्रिक्स है, इनको प्लस करके पहले एक मैट्रिक्स बनाएं, इसको मैंने सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक मैं तब प्रूव करूंगा जब ये एक मैट्रिक्स होगी। अभी ये ए प्लस बी मेरे पास नहीं मौजूद, पहले मैं ए प्लस बी को फाइंड करूंगा, फिर इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा। अगर वो फिर ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा तो मैं कहूंगा सिमेट्रिक। आप देखिएगा मान को मान में ऐड किया तो माइनस टू आ गया, ये -1 आ गया, ये आ गया 3, पहला पहले दो तीसरा और चौथा चौथे में ऐड होकर -1 3 और 0 ऐड होकर 3 -1 -1 -2 और ये 7 वाला 7 में भी आ गया 3 फिर -1 -2 और 0 इसमें ऐड होकर 2 ये a प्लस b आ गया। अब इसे मैंने एक मैट्रिक्स बन गया a प्लस b मेरे पास मौजूद है तो अब मैंने इसका लेना है सिमेट्री प्रूव करने के लिए इसका लेना है ट्रांसपोज। तो जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। मैंने ट्रांसपोज लेकर देखा फिर वो उसी के ए प्लस बी के इक्वल आ गया। मैंने ए प्लस बी का लिया है ट्रांसपोज फिर वो ए प्लस बी के ही इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये सिमेट्री है। इसी तरह इसका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन चौथा पांचवा और छठा मैं खुद करता हूँ हर मिशन वाला, वो आगे वाले सारे क्वेश्चन इस तरह ही सॉल्व होने सिमेट्री प्रूव करना है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट आप लोग करेंगे तो आप आगे हर मिशन देखते हैं प्रूव क्या होता है। हर मिशन के लिए स्टूडेंट एक बात समझिएगा, अगर आपको एक मैट्रिक्स दी जाए आपने पहले उसका लेना कॉन्जुगेट फिर उसका लेना ट्रांसपोज, अगर वो उसी के मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसे कहते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हार्मिशियन मैट्रिक्स। अगर आप उसका ले कॉन्जुगेट और उसके लिए ट्रांसपोज वो माइनस एक इक्वल आ जाए जिसे बोलते हैं स्क्यू हार्मिशियन। सेम टू सेम वैसे ही मेथड से इसे सॉल्व करना। अच्छा आए एक मैट्रिक्स दे दी है मुझे ए, तो वो कह रहा है कि आप उसे आपने ए दे दिया गया, अब उसका आपने आइटा 1+ आइटा और 1- आइटा। अब आपने इसका पहले इसे ये चीज पहले फाइंड कर लिया आपने, इसको कह रहा है हार्मिशियन प्रूफ करो। पहले मेरे पास ये चीज होगी तो मैं फिर फाइंड करूंगा ना, तो मैंने क्या किया इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट किसकी लामत चेंज करता है आइटा वाले की, 1- आइटा हो गया ये 1+ आइटा हो गया। स्टूडेंट समझ आ रही है ना? ऐसे ही जब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया है तो अब इन दोनों का मैंने इसका ट्रांसपोज भी लेना है स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में चेंज करेगा और रो को कॉलम में, ये ट्रांसपोज ले लिया मैंने। अब ये इन दोनों को ऐड करना है तो आपके पास ये क्या है वो है 1 आइटा 1+ आइटा 1- आइटा। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आप ऊपर ले लें वो क्या आएगा -आइटा 1- आइटा 1+ आइटा। इन दोनों को ऐड करो
माइनस आई था वन, वन माइनस आई था आई था, जब इनको ऐड किया है माइनस आई था और प्लस आई था जीरो, और ये टू प्लस आई था आ गया, ये और ये ऐड हो गए टू माइनस आई था आ गया, और ये ऐड हो गए जीरो। अब मेरे पास आया ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये एक रखा। अब इसे मैंने प्रूव करना है हार्मिशियन, हार्मिशियन के लिए पहले मैंने कंजुगेट लेना फिर ट्रांसपोज लेना फिर उसी के इक्वल आते हैं। इस सारी का मैंने लिया है कंजुगेट, कंजुगेट किसकी नाम चेंज करेगा आइटा वाले की। अब मैंने इसका ले लिया है ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज लिया तो इसमें जगह चेंज कर दी क्या ये इसके इक्वल ही नहीं आ गया, मैंने जिसका कंजुगेट लिया है और उसका ही ट्रांसपोज लिया वो फिर उसी के ही इक्वल आ गई, तो मैंने कह रहा ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है। कैन यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ऐसे ही आपकी 3.4 फिनिश हो जाती है। ये आपने की 3.4 से स्टूडेंट आगे वाला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।